हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल नॉलेज नोर में। दोस्तों, मेरे एक व्यूअर ने रेलवे के C&W के बारे में जानना चाहा है, तो आज के वीडियो में हम रेलवे के C&W के बारे में जानेंगे कि यह क्या है और इनका क्या यूज है। दोस्तों, रेलवे में ट्रेनों के सुचारू रूप से संचालन के लिए अलग अलग प्रकार के डिपार्टमेंट बनाए गए हैं। हर डिपार्टमेंट का अपना अलग अलग काम होता है। इन सारे डिपार्टमेंट को मिलाकर इंडियन रेलवे बनाई गई है। हर एक डिपार्टमेंट एक दूसरे के बिना अधूरा है। दोस्तों, C&W भी इन्हीं में से रेलवे का एक डिपार्टमेंट है, जिसका पूरा नाम है कैरेज एंड वैगन। कैरेज एंड वैगन डिपार्टमेंट इंडियन रेलवे के मैकेनिकल ब्रांच का एक पार्ट है, जिसका मेन काम होता है रेलवे के वर्कशॉप में कोच एंड वैगन का शेड्यूल मेंटेनेंस करना। दोस्तों, शेड्यूल मेंटेनेंस का मतलब वह मेंटेनेंस जो कि डेली, वीकली या 15 डेज में शेड्यूल के अनुसार मेंटेनेंस किया जाता है। दोस्तों, C&W डिपार्टमेंट के स्टाफ और उनके वर्कर हर वर्कशॉप के अलावे मेजर रेलवे स्टेशन पर भी दिए जाते हैं, जो कि ट्रेन के कोच में आने वाले प्रॉब्लम को देखते हैं और उसे ठीक करते हैं। जैसे ही ट्रेन अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचती है, C&W डिपार्टमेंट के कर्मचारी पूरी ट्रेन का निरीक्षण करते हैं, जो ट्रेनों के स्मूथ ऑपरेशन में सहायक होते हैं। दोस्तों, इस डिपार्टमेंट में सीनियर इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, टेक्नीशियन और ग्रुप डी के हेल्पर होते हैं। अगर रनिंग ट्रेन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हेल्पर और टेक्नीशियन नेक्स्ट हॉल्ट पर जाकर उसे ठीक करते हैं। इस तरह से रेलवे में ट्रेनों के सुरक्षित ऑपरेशन के लिए C&W डिपार्टमेंट की एक अहम भूमिका होती है। उम्मीद करते हैं C&W से जुड़ी ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।